Good evening, all. So, today we will be taking up topic 5 of GS3 issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices, public distribution system objectives, functioning limitations, revamping, issues of buffer stocks and food security, technology missions. तो जो हमारा पहला टॉपिक है इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्मिडीज सब्सिडीज एम एस पी तो सबसे पहले एम एस पी होता क्या है एमएसपी मार्केट इंटरवेंशन टू इंश्योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगेंस्ट शार्ट फॉल इन प्राइसेस तो बेसिकली क्या होता है कि कई बार जो फार्म प्रोड्यूस होता है वो बिकॉज ऑफ शार्ट फॉल इन प्राइसेस ओवर प्रोडक्शन की वजह से या किसी और वजह से डिस्ट्रेस्ड सेलिंग करनी पड़ती है फार्मर्स को सो so, उससे बचाने के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया जाता है कि आपको इतना प्राइस तो मिलेगा ही अगर आपने ये प्रोड्यूस किया है तो ठीक है और इसको रिकमेंड कौन करता है CCAP कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस और ये किस बेसिस पे रिकमेंड करता है तो ये कई सारे फैक्टर्स लेता है जैसे इसका एक फार्मूला होता है A2 plus FL plus C2 ये थ्री अलग अलग कॉस्ट हैं ए टू होता है ऑल पेड आउट कॉस्ट जो भी आपने पे किया हो होल होता है फैमिली फैमिली लेबर लेबर जो आपने को किया उसका कॉस्ट सी टू होता है रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉर गोन सेम जमीन पे अगर आप रेंट लेते तो आपको कितना रेंट आता है इंटरेस्ट लेते तो कितना इंटरेस्ट आता समथिंग लाइक डेट तो जो सी एस पी है उस अभी बाईस मैंडेटरी क्रॉप्स को एमएसपी देता है जिसमें चौदह खरीफ क्रॉप होते हैं छ रबी क्रॉप है और दो कमर्शियल क्रॉप्स हैं और सुगन के केन के लिए एफ आर पी दिए जाता है डेट इज फेयर एंड रेमरेटिव प्राइस तो इसके इशूज क्या होता है एमएसपी के ये स्क्यूड होता है मतलब सबको बराबर तौर पर नहीं मिलता और इसके अलावा भी कई सारे मिडिल मैन या कमीशन एजेंट्स आ जाते हैं जो कि बेनिफिट को खा जाते हैं बीच में ठीक है अब आते हैं फार्म सब्सिडीज पे फार्म सब्सिडी दो टाइप की होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्टली वो होते हैं जो फार्मर्स को दिए जाते हैं डायरेक्टली लाइक पी एम किसान में या फार्म लोन वेवर कर दिया है ना तो डायरेक्ट डीबी टी करके उनके अकाउंट में देते हैं इसका इशू क्या है आप आइडेंटिफिकेशन सही से नहीं कर पाते या लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन है बैंक अकाउंट ही नहीं है तो आप डीबी टी कैसे करेंगे ठीक है और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं जैसे कि इरिगेशन पावर फर्टिलाइजर इस पे आपने सब्सिडी कंपनी को ही दे दी अब कंपनी उसको कम कॉस्ट पे फार्मर्स को दे रही है है ना ये क्रेडिट दे दिया आपने कम कॉस्ट पे एमएसपी का भी देना इनडायरेक्ट सब्सिडी में आता है ठीक है इसका एडवांटेज क्या होता है क्वालिटी इनपुट आप दे पाते हैं और लेकिन इसके इशूज भी हैं कि आप जैसे ये सेल सेंट्रिक बना देता है ऐसा बोलते हैं कि आप ज़्यादातर फूड ग्रेन को ही सब्सिडी देते हैं तो इसी वजह से हर जगह फूड ग्रेन फूड ग्रेन ही प्रोड्यूस होने लग गया है देन मिस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हो जाता है ना ये भी स्क्यूड होता है तो इसमें एक फैक्ट मैंने लिखा है फर्टिलाइजर सब्सिडी है अभी रुपीज सत्तर हजार करोड़ की बट ओनली थर्टी फाइव परसेंट रीच टू फार्मर्स तो इसको भी कई जगह डाइवर्ट कर लेते हैं लोग तो इसको ये भी एक इशू है इसके साथ अब डब्ल्यू टू यू क्या करता है ये रिमूव करता है ट्रेड बैरियर्स को और इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू मार्केट्स इसमें तीन तरह के बॉक्सेज होते हैं जिसके अंदर सब्सिडीज को कैटेगराइज किया गया है ग्रीन बॉक्स में सब्सिडी अलाउ होती है ये कहते हैं ये डिस्टॉर्ट नहीं करता ट्रेड को अंबर बॉक्स डिस्टॉर्ट करता है ट्रेड को और प्रोडक्शन को ब्लू बॉक्स होता है अंबर बॉक्स में सर्टन कंडीशन होता है इसमें ग्रीन बॉक्स हमें अलाउ किया गया है ठीक है देन एक केलगर कमेटी की के रिपोर्ट आई थी कि जिसमें कहा गया था सब्सिडी सूट कम विद द सनसेट क्लॉज दैट इज फिक्स टर्म के लिए होना चाहिए सब्सिडी है ना इट शुड नॉट बी परफेक्चुअल अब इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं सब्सिडीज़ uh, uh, के अलावा हम क्या कर सकते हैं जिससे क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़े हमारा और बैलेंस uh, भी बना रहे नेचर के साथ तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर लीजिए जेट बी एन एफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कर लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लीजिए सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यह एक टेक्निक होती है है ना जिसमें कम वाटर uh, में ही ज़्यादा राइस प्रोड्यूस किया जा सकता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कर लीजिए तो ये सब अल्टरनेटिव के तौर पे बताया जा सकता है देन इशूज क्या है क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्टॉर्ट करता है एमएसपी डिग्रेडेशन करता है जैसे राइस ग्रो किया जाता है पंजाब हरियाणा में जहाँ पहले से ही ग्राउंड वाटर कम है रीजनल इम्बैलेंस को बढ़ावा दिया जाता है बढ़ता है बेसिकली जस्ट फोर परसेंट फार्मर्स गेट द बेनिफिट ऑफ एम एस पी ये शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट ने भी कहा है और ये नॉट रेमुनरेटिव दैट इज वॉट एम एस स्वामीनाथन सेज क्या आप जितना एमएसपी देते हैं इट इज़ नॉट रेम्यूनरेटिव अगर कोई एम एस पी पे ही डिपेंड रह जाए तो वो उसको सस्टेन करना भी मुश्किल हो जाएगा तो क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं आप प्राइस डेफिशेंसी पेमेंट कर सकते हैं एरिया प्लानिंग कर सकते हैं डायरेक्ट इनकम सपोर्ट कर सकते हैं तेलंगाना में करते हैं एरिया प्लानिंग यूके में किया जाता है मतलब हर एक एरिया के उस पर प्लान किया जाता है कि यहाँ पे क्या क्रॉप जो है वो आपको लगानी है इस तरह से किया जाता है ठीक है बाकी स्विफ्ट पेमेंट भी कर सकते हैं ये भी एक है है ना दीज आर ऑल द अल्टरनेटिव नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशन एंड रिवेपिंग तो वट इज पी डी एस इट इज बेसिकली अफोर्डेबल प्राइस

एम एस पी से फिर एफ सी आई जो है इशू प्राइस पे स्टेट गवर्नमेंट को देता है स्टेट गवर्नमेंट फेयर प्राइस सब तक पहुंचाती है के लिए। और वहां से को मिलता है, सेल प्राइस। तो दिस इस प्राइस मींस। ठीक है? ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्सल स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडाइज फूड ग्रेन सेवन में क्या हुआ टारगेटेड पीडीएस आया राइट right? स एरिया वॉज टारगेटेड बेनिफिशरी वे टारगेटेड यूनिवर्सल नहीं बनाना है हमें है ना देन अंतोदय अन्न योजनास्ट सेगमेंट ऑफ द बीपीएलेशन ये अभी भी है चलता है देन वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीडीएस दैट फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज इंडिया इस में मेल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अस फूड

मार्केट में बेचे जाते हैं स्टोरेज का इशू होता है है है। ना जो प्रोडक्शन की बात हो रही थी, वही ये होते हैं। मतलब किसी बेनिफिशरी जो जेन्यून है उसको एक्सक्लूड कर दिया something like that। क्या-क्या रिफॉर्म्स हैं इसको आधार से लिंक कर दीजिए छत्तीसगढ़ मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना डिजिटाइजेशन ऑफ राशन कार्ड कर दीजिए कंप्यूटराइज एलोकेशन कर दीजिए स्मार्ट कार्ड दीजिए देन जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए जैसे ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं तो उनकी लोकेशन आप ट्रैक करिए कहाँ पे जा रहा है फूड ग्रेन कहाँ स्टोर हो रहा है कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एस एम एस वेस्ट मोनिटरिंग कीजिए वेब बेस्ड सिटीजन पोर्टल पर अपडेट करिए है ना तो ये मॉडल है ठीक है इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम को भी लाया जा सकता है लाया जा रहा है डी इसका एक अल्टरनेटिव है पी का है ना जिससे कंजम्पशन बास्केट बढ़ेगा ऐसा बोलते हैं कंजम्पशन बास्केट मीन्स जैसे पी में आप कुछ ही चीजें दे पाते हैं चावल दे रहे हैं गेहूं दे रहे हैं है ना चीनी दे रहे हैं समथिंग लाइक डैट ऐसे क्या है कि आप डी कर दीजिए डायरेक्टली उनको पैसे दे दीजिए कूपन दे दीजिए समथिंग लाइक डैट तो उससे क्या होगा कि वो जाके ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं है ना अब उनको चावल नहीं खाना है वो उसके अलावा बाजरा खरीद सकते हैं ज्वार खरीद सकते हैं कंजम्पशन बास्केट बढ़ जाएगा ठीक है और डाइवर्सिटी बढ़ेगी है ना बेटर टारगेटिंग हो पाएगी लीकेज रिड्यूस हो जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ेगा ठीक है देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाइए सोशल ऑडिट करिए बायो फोर्टिफाइड फूड्स को प्रमोट करिए है ना तो इन स्कीम्स से फायदा होगा क्या करता है विथ अफोर्डेबल प्राइसेस तो एफ सी आई स्टेब्लिश हुआ था ये अक्रॉस इंडिया इनका क्या काम है गोडाउन में फूड ग्रेन को स्टोर करवाना है ना प्रोक्योर करके फार्मर्स से देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या स्टॉक का बनाए रखता है एम एस पी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को जब हम लोग एफ से प्रोक्योर करता है लोगों को फूड ग्रेन अवेलेबल कराता है देन एक्सपोर्ट एंड फूड सिक्योरिटी अदर ऑब्जेक्टिव देन वट आर द चैलेंजेस पहले डाइवर्जन एंड पिल्फ्रेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है सी एस पी ने भी कहा था कि फोर्टी परसेंट जो पी डी एस के फूड ग्रेन होते हैं वो या डाइवर्ट हो जाते हैं मार्केट में ओपन मार्केट में उनको सेल करते हैं देन हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न जैसे क्रॉपिंग पैटर्न uh, बन जाता है बिकॉज ऑफ इसके अलावा शांता कुमार कमेटी की भी रिपोर्ट है जिसमें बताते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 67 परसेंट पॉपुलेशन को कवर किया गया है एंड इट शुड बी रिड्यूस टू 40 परसेंट दैट इज व्हाट इट सेज देन uh, वो रिकमेंड करते हैं कि यू शुड इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर फॉर मैनेजिंग फूड ग्रेन डी कर दीजिए आप एफ का रोल ओनली इन पुअर स्टेट में लिमिटेड करिए एबॉलिश कीजिए लेवी राइस को देन आउटसोर्स कीजिए स्टॉकिंग को एंड लिक्विडेशन पॉलिसी होनी चाहिए फॉर बफर स्टॉक्स जैसे आपके रखे रखे अनाज जब सड़ सड़ने लग जाते हैं तो उसको लिक्विडेट करने की भी एक पॉलिसी होनी चाहिए तो ये सारी रिफॉर्म में आप uh, डाल सकते हैं Then, on doubling farmer income. इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है ना इंक्रीज करिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी को इम्प्रूवमेंट करिए क्रॉप प्रोडक्टिविटी को ना? Then, improve है ना देन इम्प्रूव करिए लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी को शिफ्ट करिए फार्म टू नॉन फार्म ऑक्यूपेशन पे एंड डायवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हाई वेल्यू क्रॉप्स तो ये सारी चीजें करिए तो यू कैन एड टू द फार्मर इनकम ऑल्सो Then ट आर द स्टेप्स डेट कैन बी टेकन अप इनकरेज करिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देन मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को banaiye uh, uh, बनाइए upgradation of gram हार्ट That is आप गांव में ही हार्ट बनाइए अभी क्या होता है कि गांव से लेके आप एक centralized हार्ट तक आते हैं वहां पे फिर आपका वो सेलिंग के लिए uh, वो encourage करती है गवर्नमेंट बट आप ये कह रहे हैं गांव-गांव में ही हार्ट बना दीजिए ग्रामीण हार्ट बनाइए चेकिंग दॉल हेल्थ और इम e है ना टेक्नोलॉजी का यूज करिए और आप एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म दीजिए जहाँ पे द इंडिया उनको प्राइसेस मिल सके है ना देन कमिंग टू द टेक्नोलॉजी मिशन वॉट आर द टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर तो एक है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन फील्ड बढ़ाना है क्वालिटी बढ़ाना है मोस्टली ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी मिशन होंगे उनका काम दो ही होगा क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करिए इंड को इम्प्रोवाइज कीजिए इम्पोर्ट को घटाइए, सेल्फ सफिशी को बढ़ाइए तो ये सारे आपके टेक्नोलॉजी मिशन कोकोनट अगेन कंपिटिटिव फार्मिंग के लिए रिजनेबल प्राइसेस मिल जाए है ना इसके लिए मिशन द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर नेशनल शनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी तो ये सारे मिशन हैं जिसको आपको आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं on, उसके लिए क्या क्या स्कीम्स है राष्ट्रीय गोकुल मिशन ई पशु हार्ट पोर्टल डेट इज टू इनकरेज इंडिजीनियस ब्रीड्स देन नेशनल लाइव स्टॉक मिशन फॉर लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल धन स्कीम है फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड कैटल वेस्ट यू नीड टू इम्प्रोवाइज एंड प्रोड्यूस समर्गेनिक फर्टिलाइजर समथिंग और फिर एक है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग फॉर जेनेटिक अपड्रेडेशन ऑफ कॉज ठीक है तो ये सारी चीजें हैं जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में ओके ओके थैंक यू थैंक यू ऑल